नमस्कार, वेलकम टू मंगल की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं सैंडविच चटनी। बहुत आसान है और उतनी टेस्टी है, तो आइए इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देखते हैं। लेकिन इसके पहले, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बाजू में बेल आइकन है, उसे भी क्लिक कीजिए। उसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जब भी मैं अपनी नई रेसिपी अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन की बेल आपके मोबाइल में बजेगी, तो आप मेरी रेसिपी को फटाफट देख भी पाएंगे और फटाफट कर भी पाएंगे। तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, यूं ही सपोर्ट करते रहिए। तो आइए बनाते हम सैंडविच चटनी। आज हम बना रहे हैं सैंडविच चटनी। बहुत आसान है, उतनी टेस्टी है, और ये खास इन्ग्रीडियंट से हम बना रहे हैं एक, ताकि ये सैंडविच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। तो आइए वो कैसे चटनी बनाती है वो देखते हैं। सैंडविच चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप धनिया। ये धनिया पत्ता हमने साफ़ कर लिया, अच्छे से धो लिया है हमने इसे, और ये 2 कप लिया है हमने। 1/4 कप पुदीना के पत्ते, 5-6 हमें चाहिए हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 टेबलस्पून बारीक सेव, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून काला नमक, और 1/4 टीस्पून हमने सादा नमक लिया है। आइए हम चटनी पीस लेते हैं। अब हमने मिक्सी लिया है और मिक्सी के बर्तन में हम चटनी अब पीसेंगे, इसलिए मैं इसमें डालूंगी ये पुदीना के पत्ते। तीन से चार हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तीखा कितना पसंद है हमें इस हिसाब से। साबुत जीरा, ये काला नमक, काला नमक से स्वाद बहुत अच्छा आता है इसका। सादा नमक थोड़ा सा, ये नींबू का रस 1 टेबलस्पून लिया है हमने। इसमें डालेंगे हम ये धनिया पत्ता, और इसमें ये हम थोड़ा पानी डालेंगे 1 टेबलस्पून, और इसमें पहले हम ये पीस लेते हैं। इसमें हम अब ये बहुत अच्छे से पीस गई है, दरदरी पीसी गई है, इसमें हम ये सेव डालेंगे। सेव का कारण ये है कि हमारी सैंडविच चटनी है तो सैंडविच चटनी गाढ़ी होनी चाहिए, इसलिए हमने ये सेव डाली है। इसे पीस लेते हैं। बहुत ही अच्छी, एक बार मिला लेंगे हम इसे, और फिर से एक बार हम मिक्सी में घुमा लेते हैं। तैयार है हमारी सैंडविच चटनी। बहुत अच्छा कलर आया है इसका, अब इसे निकाल लेते हैं हम। हमारी चटनी निकाल लेते हैं हम बाउल में। बहुत प्यारा कलर आया है इसका, और ये टेस्टी भी उतनी है, और ये देखिए कितनी गाढ़ी बनी है हमारी। पानी बिल्कुल नहीं बह रहा है इसका, यानी कि जो हमें ब्रेड पे लगाने होते हैं सैंडविच ब्रेड पे, तो इसी तरह की चटनी चाहिए हमें, ताकि हमारा ब्रेड ज़्यादा गीला ना हो और टेस्ट भी आए इसका। तैयार है हमारी सैंडविच चटनी। तैयार है हमारी सैंडविच चटनी। बहुत ही आसान है, फटाफट बनती है, उतनी ही टेस्टी है। जितना इसका रंग खूबसूरत है उतनी ही वो टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। आप ज़रूर बना के देखिए और आपके अनुभव ज़रूर मुझ तक शेयर कीजिए, यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मेरी रेसिपी को यूँ ही लाइक दीजिए, इन्हें यूँ ही शेयर करते रहिए। आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यूँ ही आशीर्वाद देते रहिए। और ये मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।